बात करने जा रही हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांति कुमारी है और मैं बिहार राज्य से आई हूँ, नालंदा जिला से आई हूँ और मैं यहाँ पे करीब एक सप्ताह से हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये कृषि कानून वापस लिया जाए और मैं उसी के समर्थन में आई हूँ, किसानों के समर्थन में आई हूँ। और मैं मोदी सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं ली जाएगी हम लोग यहाँ पर से नहीं हटेंगे, क्योंकि जब भी हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार हुई है इतिहास गवाह है कि हमारी ही जीत हुई है। हमारी जो केंद्र सरकार है वो कान बंद करके सुनती रहती है और आज हम 9 महीने से ज्यादातर दिन हो गए हैं लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है। तो वहाँ पे महापंचायत लगी हुई है मुजफ्फरनगर में, तो हम लोग यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं और यहाँ से भी मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पे तो चली रही है, यहाँ पे भी हम लोग हैं। उन्हें पता नहीं होगा शायद कि किसानों की ताकत कितनी है, वो हमेशा कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जैसे कि आज किसानों की महापंचायत चल ही रही है तो आप लोगों की वहाँ से क्या उम्मीद है? वहाँ से बहुत सारी हमें उम्मीदें हैं क्योंकि जो कान बंद करके सुन रहे थे वो वहाँ तो देख सकते हैं ना, उन्हें लगता था, मैं पहले भी बताई कि वो कहते थे मुट्ठी भर किसान है, वहाँ 50 लाख तो नहीं, मैं तो कहती हूँ कि करोड़ों की संख्या में वहाँ किसाने होंगे और वो भी साथ में एक साथ समर्थन कर रहे हैं और वो भी उन्हें बता देना चाहते हैं जो उनके सामने आज तक नहीं आए, वो भी किसान वहाँ पे सामने आए हुए हैं। मैंने आज ये भी देखा था कि काफी महिलाएं भी वहाँ पे पहुंची हैं, बिल्कुल, तो उसमें से आपके भी काफी लोग वहाँ गए होंगे। जी बिल्कुल, तो गई हैं। उसके बारे में भी बताइए कि वो महिलाओं का क्या समर्थन है वहाँ पे? महिलाओं का समर्थन है ये तो मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ पुरुष ही अन्न नहीं उपजाते हैं, वो भी महिलाएं भी तो खाती है, बच्चे भी खाते हैं, तो महिलाओं का भी तो ये हक बनता है, ये लोकतंत्र का देश है, वो भी संघर्ष कर सकते हैं। जो गलत हमारे ऊपर होता है मैं तो उनका विरोध करूंगी ही हूँ, चाहे तो वो महिलाएं, मैं भी कृषि कानून का विरोध कर रही हूँ, तो वहाँ पे महिलाएं भी हैं और वो भी एक साथ है, पुरुषों के साथ में है। जब एक पहिए काम नहीं करती है, कोई भी बाइक में दो पहिए साथ मिलकर चलती है तो वो आगे तक पहुँचाती है, तो महिलाएं एक साथ है और वहाँ पे बताओ वो भी कह रही है कि ये कृषि कानून वापस लिया जाए, क्योंकि कृषि कानून जो आई है हमारे देश में वो हमारे बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि जो कृषि कानून लाई गई है पहले ही मालूम हम लोगों को है कि अंबानी अदानी जैसे लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्री पहले से ही बन चुके हैं और वो कहते हैं कि MSP है, था और रहेगा, तो MSP है तो हमारी जो फसल उपजती है MSP की जो रेट तय है तो उस पर क्यों नहीं खरीदी जाती है, और आप MSP की बात भी नहीं की है कृषि कानून में, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये काले कानून को हटाओ और MSP की कानून बनाओ। जब हम लॉकडाउन में कोरोना काल थी तो हम अपने घर में बंद थे, उन्होंने 5 जून को बिना संसद में बहस किए हमारे बीच कृषि कानून बनाकर लाई, हमसे वो पूछे इस देश को लोकतंत्र का है किसानों का, उन्हें किसान से बात करना चाहिए था कि ये सही है या नहीं। लॉकडाउन में कृषि ही थी जो GDP को 3% बराबर मेल में रखा था, तो जो ये परिवहन क्षेत्र थे जो बंद थे, बिल्कुल बंद थे, तो इनके ऊपर उन्हें कानून बनाना चाहिए था ना, बेरोजगारी के ऊपर रजिस्टर बनाना चाहिए था कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, और ये तो मोदी सरकार हमारे ऊपर त्रिशूल बार बार भोंकती है क्योंकि मुस्लिमों के बारे में NPR NCR जो बोलते हैं CCA जो होती है 3 कानून लाए थे हमारे भी, तो बार बार ये 3 कानून लाती है, ये क्या है? हमारे जो हम किसान है तो हमारे बात पे कानून बनाओ ना, तुम अपने खुद कानून क्यों बनाते हो? तो ये सारी समस्याएं हमारे देश में निपटने के लिए हम सब एक साथ हैं यहाँ पे हैं। तो राकेश जी आज 3 बड़े मुद्दों पे बात करने वाले हैं वहाँ पे, तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकती हूँ। वो यहाँ पे जो शुरू से संघर्ष चल रही है उनका तो सबसे पहला मकसद था कि जो 3 कृषि कानून लाई गई है उन्हें वो वापस ले, और जो यहाँ पे 2020 में 1 बिजली अधिनियम थी वो उन्हें भी वापस लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की बिजली है ज्यादा सर ये सरकार बोलती है कि हमने हर घर में खेत में बिजली पहुंचाई है लेकिन आज तक हमारे खेत में बिजली नहीं पहुंची है जिससे कि फसल अच्छे उपज सके, तो ये सरकार की नीतियां अपने वादे से मुंह करती है। पहले चुनाव की घोषणा आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने ये दिया देश को, जब से तुम 2014 से सरकार बने हो कभी नोटबंदी करते हो, कभी पुलवामा में हमला करवाते हो, कभी GST लाते हो, ये सारी समस्याएं क्या है? बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो है वो किसानों की तरफ से कही जा रही है और आपने देखा कि किस तरीके से पूरा किसानों का एक जत्था जो है वो आज न्यूज इंडिया पर मौजूद है और अपनी बात को कह रहा है, और ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया पर हम भी लगातार पल पल की कवरेज दे रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है, वहां सड़कों की अगर बात करें 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है, और पूरी पंचायत की अगर बात करें जो ये कहा जा रहा था किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, हो सकता है हंगामा हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बहुत शांतिप्रिय तरीके से पूरा जो किसानों का आंदोलन है वो चल रहा है।
मंच पर तमाम जो किसान नेता हैं, अलग अलग जत्थे जो है किसानों के, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले, वो आकर के लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच कुंदन के पास चलूंगा, कुंदन के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कुंदन, किस तरीके से ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है जानने का प्रयास करिए। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो पिछले 9 महीने से ज्यादा वक्त से यहाँ पर हैं, उनमें से किशन जी एक हैं, मथुरा से आप आए हैं। किशन जी, आप लगातार 9 महीने से यहाँ पर हैं। देखिए, मुझको जब से आंदोलन शुरू हुआ है, मैं जब ही से हूँ, यूँ 2-4-6 दिन के लिए काम कर कोई काम लग जाता है, जाता हूँ फिर आ जाता हूँ। मैं आंदोलन शुरू हुआ है जब ही से हूँ, मैंने तपती हुई जाड़ा देखा है और गर्मी तपती हुई देखी है, बरसात देखी है। हमारे टेंट यह 3-3, 4-4 बार उड़ गए हैं, उनको संभाला है। हम जिस कानून के बारे में आए हैं, ये सरकार कहती थी ये किसान ही नहीं है, ये तो मुट्ठी भर किसान है, ये हरियाणा के किसान है, ये पंजाब के किसान है, ये बेस्ट यूपी के किसान है। आम आधा हो गया, मोदी जी कहते हैं मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, किस बेस्टे करोगे दुगनी? गन्ना का मूल्य है, किसान ने गन्ना डाल दिया। हमारे साथ पासवान जी हैं, बिहार से आए हैं आप। लगता है कि आज की बातचीत में कोई हल निकलेगा, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि आज जो महापंचायत होगी उसमें हम हल निकालेंगे, कोई कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा फैसला आप लोग लेंगे जिससे सरकार से भी बातचीत हो पाएगी और कोई हल निकलेगा? ये तो सरकार की बात है हल निकालने का। अगर हल नहीं निकलता है तो जब तक हल नहीं निकलेगा मेरा हर चलता रहे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम लोग हैं, बातचीत एक फोन कॉल में शुरू हो जाएगी। ये फोन करेगा सरकार को करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। क्या आज महापंचायत में एक फोन कॉल करने का फैसला हो सकता है? ये फोन तो सरकार करेगी ना, करेगी ना कि हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं। मैंने तो उनसे मांग किया है कि 3 कानून जो काला कानून लाए हैं उसको वापस लो, किसानों को जो सुविधा है वो तो वो देना तो उनका काम है। वो ये भी कह रहे हैं किसी किसान को अभी तक नुकसान नहीं हुआ, कुछ किसान ये हैं जो इसके विरोध में, ऐसा है क्या? अब बताता हूँ मैं। 2 साल से कोरोना लगी, आपका उम्र है 35 बरस, सर्विस का उम्र दिया है 40 बरस, जो व्यक्ति ओबीसी से बाहर है, यानी किसानों की बात कर लीजिए, किसान एक में नहीं आते हैं। मेरे बच्चा ही न पढ़ करके आया, आज 4 साल का जो बच्चा है, 2 साल बीत गया, 6 साल हो गए, आपने कानून लगाया कि 5 साल में स्कूल में नाम का दाखिला होना चाहिए, कल के दिन वो 7 साल का हो गया, स्कूल से वंचित हुआ किसान का लड़का, को पढ़ने का आदेश होगा? ये तो किसानों से जुड़ी हुई है ना शिक्षा के प्रति भी आपने मार दिया। तो सारे शिक्षा विभाग से लेकर हमारे छात्र और सारे किसान सारे एक हुआ है। वहाँ पर बातचीत सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है, आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हल क्या है इस 9 महीने के आंदोलन का, हल क्या दिख रहा है? विजय नारायण यादव देवरिया से, उत्तर प्रदेश से आए हैं, आए हुए 10 दिन हो गए, आए हुए 10 दिन हो गए हैं, और आज तक जो भी बात हो रही है इससे यही लगता है कि यह सरकार निरंकुश और तानाशाही है, और इसका जवाब इसी पंचायत से निकलने वाला है। और ये किसान अब जाग चुका है, देश का नौजवान जाग चुका है, छात्र जाग चुके हैं, महिलाएं जाग चुकी हैं, और इसका जवाब आने वाले समय में मुंहतोड़ राय नहीं है, यह पंचायत डिसाइड कर रही है। आज पंचायत में ये सारे निर्णय हो जाएंगे कि सरकार नहीं करती है, अगर हमारी काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो क्या होगा वो पंचायत ही तय करेगी। ठीक है, तो गौरव, एक कुल मिलाकर के देखें तो महापंचायत में ये फैसला